इस वीडियो में मैं बात करूंगा, आप लोग ना एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, और सरप्राइजिंगली एक तो गलती कर रहे हो, ऊपर से आपको उस गलती का एहसास तक नहीं है। आप ना उस चीज को लगातार डिले किए जा रहे हो। प्लीज स्टॉप दिस, प्लीज स्टॉप दिस। गलती क्या है मैं बताता हूँ। EISSM की प्रिपरेशन में आप दो चीजों को बार बार टाल रहे हो। एक, आप सोचते हो मैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कर लेता हूँ, EIS देखता हूँ, करता हूँ, कर लेंगे, बाद में देखता हूँ, कुछ जुगाड़ कर लूंगा। ये बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ी गलती है, बहुत भारी पड़ेगी दोस्त। आज मैं बिल्कुल सही टाइम पे आपको जगा रहा हूँ और हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, EISSM को टेक सीरियसली एंड टाइम से कंप्लीट करो, और स्पेशली EIS को बिल्कुल नज़रअंदाज मत करना। SM में क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, SM पढ़ रहे हो, खुश हो रहे हो, तुम्हें लग रहा है बहुत बड़ा काम कर लिया। SM को पढ़ना समझना एक बात होती है, उसके क्वेश्चन को एज पर रिक्वायरमेंट लिखना दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है। दो गलतियां, EIS को लगातार डिले करना और SM को लिख के प्रैक्टिस ना करना, ये सबसे बड़ी मिस्टेक है आपकी। EIS SM को टाइम से कंप्लीट कीजिए। जिस बच्चे को EIS में डर लग रहा है उसको टाले नहीं, हमारा लाइव रिवीजन अटेम्प्ट करो। मैं लाइव रिवीजन, और लाइव आने पे आपको बहुत सारे फायदे होते हैं। आपको मोटिवेशन मिलती है जब दूसरे फ्रेंड समझ रहे होते हैं, डील कर रहे होते हैं, क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं, और आपके सामने आपका टीचर खुद होता है, ठीक है, और वो आपकी केयर कर रहा होता है, आपको कॉन्फिडेंस आता है दोस्त। तो वो कॉन्फिडेंस लेके आना है तो लाइव आओ, मेरे साथ रिवाइज करो। डर लगता है ना तो अगले 5-6 दिन डेडिकेट कर दो EIS को, लाइव आओ। लाइव में जितनी बातें मैं बोल रहा हूँ बस उतना कर लो। से मैं रिवीजन कराता हूँ, मैं कुछ एडिशनल रिसोर्स देता हूँ, टेस्ट सीरीज देता हूँ, और साथ ही साथ आपको नेक्स्ट डे का होमवर्क देता हूँ। आप उतना मेरे साथ करो तो सही, आपका डर भी भाग जाएगा, आपको ये भी समझ में आ जाएगी कि ये सब्जेक्ट कितना आसान है और क्या इस सब्जेक्ट को हम कुछ दिनों में कर सकते हैं। यस, कर सकते हैं। तो ये डिले करना बंद कीजिए EIS के डर से। EIS बाद में देखेंगे, और आप टालते जा रहे हो, और बाद में इस ग्रुप का बेड़ा गर्क कर दोगे आप सिर्फ EIS की वजह से। डोंट डू दिस मिस्टेक। जिन बच्चों ने भी अभी तक EIS शुरू नहीं किया है, या कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, या पढ़ाई करी है रिवाइज नहीं हो पा रहा है, याद नहीं आ रहा, रिकॉल नहीं हो रहा, लिख नहीं पा रहे हैं, डर लग रहा है, टेंशन क्रिएट हो रही है, सीधा आओ। उसका एक ही सोल्यूशन, लाइव सेशन में टीचर से बात करो। वो टीचर जो आपके सामने लाइव हर शाम को आ रहा है और आपसे बातें कर रहा है, आपके सॉल्यूशंस दे रहा है, आपको रिवीजन करा रहा है, आपको अगले का होमवर्क दे रहा है, और आपको हर एक टॉपिक के साथ ये भी बताने की कोशिश कर रहा है कि डूज एंड डोंट्स क्या है, इस क्वेश्चन को कैसे करना है, एग्जाम में कैसे आएगा, क्या आएगा, ऐसा रिवीजन कहीं नहीं देखा होगा दोस्त। हर एक टॉपिक, और कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है। और दूसरी बात, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पे अगर ग्रिप है तो रिवीजन हो चुका है, तो राइटिंग करके कब देखोगे दोस्त? जल्दी से जल्दी राइटिंग चालू करो। ये दो मिस्टेक जल्दी इंप्रूव कर लो अगर आपको करना है अब की बार 70 पार इन EISSM। एंड सेम अप्लाइज टू ऑडिट। मुश्किल चीजों को डिले करना आपके लिए खतरे की घंटी है। आई रिक्वेस्ट, कम एंड ज्वाइन लाइव एंड गेट योर मोटिवेशन, योर शेयर ऑफ मोटिवेशन, वर्क नेक्स्ट डे एंड गेट द रिजल्ट इंस्टेंटली। ऑल द बेस्ट, सी यू, बाय बाय।